हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी 5 मिनट्स पे हाउ कैन वी डिसाइड द ट्रेंड। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ज़्यादातर लोग रिवर्सल पॉइंट ढूंढते हैं, पर याद रखिए कि ट्रेड विद द ट्रेंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उसे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे दो तरह के ट्रेडर होते हैं। कई लोगों को टॉप पे ही सेल करना है, बॉटम में ही बाई करना है, और कई ऐसे ट्रेडर है जिनको पता है कि मार्केट में टॉप और बॉटम ढूंढने से अच्छा है कि ट्रेंड के साथ तैर के वी कैन मेक सम प्रॉफिट्स। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे बेस्ट जो हमें लगा 5 मिनट्स पे ट्रेंड डिसाइड करने की बात कर रहा हूँ। एक बार ट्रेंड डिसाइड हो जाए फिर आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन सबसे हट के मूविंग एवरेज है। इट इज़ बेस्ड ऑन ADX। ADX इंडिकेटर में दिक्कतें ये आती है दोस्तों कि आप बहुत ही कन्फ्यूज हो जाओगे, जिससे हमें DMI ऐड करना पड़ता है, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे सर्च करा जाता है और देखिए ये जो लाइन है, 3 लाइन्स हमें मिलती है, लेकिन जो अपीयर होता है वो बहुत ही डेंजर, भयानक पिक्चर अपीयर होता है, जिससे समझने में बहुत ही दिक्कतें आती है। इसीलिए इसके कंक्लूजन में हमें यहाँ पे एक मूविंग एवरेज मिली है जो हमने ऐड की है। उसका नाम है MAADX। देखिए आपको टाइप करना है MAADX। ओके, फिर ऐड कर देना है, राइट। इसको मैंने स्टार किया है, आप भी कर दीजिएगा। ओके फाइन, ऐड करने के बाद ये आज की डेट है 16 जनवरी, जहाँ पे आपको ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। ग्रीन है, यहाँ पे देखिए अलग अलग लोग अलग तरीके से करते हैं। हमें ऐसा लगा है कि जो ब्लैक एरिया है वहाँ पे कुछ करने जैसा है नहीं, बट यहाँ पे ग्रीन दिख रहा है, यानी कि ट्रेंड जो है वो बुलिश है, मैच्योर्ड है। यहाँ पे रेड दिख रहा है, वहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है। दोस्तों एक बात ऑलवेज ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं कि जहाँ पे ग्रीन हुआ उसके हाई से खरीद लिया और जब रेड हुआ, ऐसा तो ठीक है, वो तो ट्रेडिशनल मेथड है, ऐसा भी कर सकते हैं, पर उसके पहले हमें बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। जैसे कि ग्रीन हुआ उसके हाई से खरीदा, उसका लो स्टॉप लॉस, फिर जब रेड हुआ ब्लैक हुआ वहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, ब्लैक पे भी और रेड पे भी। ओके, और रेड के लो के नीचे सेल और फिर ग्रीन की वेट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, जिसमें डबलिंग करना पड़ता है, और साइडवे मार्केट इसमें भी आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट है आप ट्रेंड डिफाइन करने के लिए यू शुड अप्लाई दिस ट्रेडिंग इंडिकेटर, और उसको आप अपने उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। बहुत रास्ते हैं दोस्तों यहाँ पे। आप जब भी ट्रेंड पॉजिटिव हो तो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं या बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और जब ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है तो वहाँ पे आप बेरिश चीज़ है उसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। एंड वन मोर थिंग दोस्तों, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक्स में अगर आप करना चाहते हो तो भी आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको आसान तरीके से यहाँ से ट्रेंड दिखेगा। अभी यहाँ पर चलिए देखते हैं निफ्टी में डेली चार्ट, डेली पे कौन सा ट्रेंड है। तो आपको देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से यहाँ पे 15 दिसंबर से ट्रेंड इसका नेगेटिव हो चुका है। एक बार और ध्यान में रखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार ग्रीन के बाद ब्लैक और फिर रेड, ऐसा नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव है, फिर थोड़ा रेस्ट है, फिर यहाँ से ग्रीन हुआ, पर ऐसा नहीं है, कई बार ग्रीन के बाद तुरंत भी रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है चलिए देखते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो ट्रायंगुलर क्रॉसओवर हम उसे कहते हैं कि वो मौका ही नहीं देता है, और जो पर्पल लाइन है वो प्लस डी और माइनस डी के बीच में आ जाती है। ओके, पर इसका इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना काम आसान ऑलरेडी हो चुका है। चलिए अभी बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखते हैं। बैंक निफ्टी का ट्रेंड आपको क्लियर दिखेगा फ्रेंड्स कि है फिलहाल नेगेटिव। वीकली चार्ट पे भी देख लेते हैं, जिससे आपको आइडिया आएगा। वीकली पे है पॉजिटिव, और मंथली में बैंक निफ्टी का ट्रेंड है पॉजिटिव, और निफ्टी का ट्रेंड देख लेते हैं वीकली एंड मंथली पे। वीकली पे अभी आपको दिखेगा दोस्तों ब्लैक, यानी चौपी जैसा एरिया है, और यहाँ पे चौपीनेस क्लियरली विजिबल है। और फिर देखते हैं मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे यहाँ से ट्रेंड दोस्तों पॉजिटिव हुआ है, राइट। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि पूरा ट्रेंड कोई दिक्कत जैसा है नहीं, राइट। सो दिस इज द वे टू डिफाइन द ट्रेंड ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी और एनी ऑफ स्टॉक्स। ओके, सो बैंक निफ्टी में 5 मिनट्स पे भी हमने आपको दिखाया, तो ये आप अपने ट्रेडिंग प्लान के साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।